परमेश्वर का दास कहता पांचवा वचन में 16 के, यहोवा मेरा भाग है, मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग पर तूने स्थिर रहता है। मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी है, मेरा भाग मन भावना है। बड़े तृप्त है ये मनुष्य, बहुत तृप्त, स्ट्रेस नहीं है इसको, संकर्ष नहीं है। बोलते कि प्रभु ने सारे चीज सेट, ये यहां के लोग बोलते हैं सारे चीज सेट करके रखा, सेट करके रखा, प्रभु ने सब कुछ सेट करके रखा है, इसलिए बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। वो कहते हैं कि यहोवा मेरा भाग है, कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को उसने स्थिर रखा है। मैं जानता कि मेरा संपत्ति है और मैं जानता मेरी संपत्ति सुरक्षित है। सिर्फ संपत्ति है, जानकर ज्यादा फायदा नहीं है, कभी भी छीन लिया जा सकता नहीं है, कभी भी छीन लिया जा सकता। लेकिन मैं जानता मेरा भविष्य है, बनेगा और मेरा भविष्य सुरक्षित रहेगा, ये दोनों चीज वो जानता, इसलिए वो निश्चिंत रहता है। बेवकूफ लोग भी निश्चिंत रहते हैं, दर्पी के वो पागल तो कुछ जानता नहीं है, कुछ समझता नहीं है, इसके लिए निश्चिंत है। हम तो लाला लाला है, हम ना परिवार के बारे में सोचता है, ना बाल बच्चे के बारे में सोचता है, ना अपने बारे में सोचते है। हाँ तो है, हम अपना इसका मालिक, क्या बोलते, कुछ तो बोलते ना, अपना मन का मालिक ऐसे चलता है। वो बेवकूफी है, पागलपन है, ये ऐसा नहीं है। अच्छी तरह ये जानता सारे चीज का प्रबंध हो चुकी है, अच्छी तरह जानता कि वो कंगाल नहीं रहेगा, अच्छी तरह जानता कि वो अकेला नहीं है, अच्छी तरह जानता कि वो बेसहारा नहीं है। इसलिए वो कहता है कि मैं खुश हूं, मैं आराम करूंगा, ये वो मेरा भाग है, मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तो स्थिर रहता। इतना ही नहीं, अब ये सब चीज मैंने मान लिया, देखो प्रभु ने मेरे लिए सब कुछ तैयार करके रखा और वो दुश्मन मिटा नहीं सकता, इतना चीज क्या करेगा। प्रभु की इच्छा है, प्रभु की इच्छा है, उसको ले ले और कुछ नहीं। ऐसा नहीं अंबानी को मिला है या शिंदे साहब को मिला है, हमको तो कम मिला है, क्या करेगा प्रभु ने। लेकिन प्रभु ने दिया तो उसको स्वीकारना ही है ना, लड़ सकते हैं उससे, आप लोग तो बिल्कुल नहीं लड़ते, हम लड़ नहीं सकते जो दिए। ये कहते ऐसा नहीं है भाई, प्रभु ने जो भी मेरे लिए किया ना उससे मैं अति प्रसन्न हूँ। अरे भविष्य बनना एक बात होती है, सब जो आप लोग कल मुझको बुलाते कि कल देखो आपका आराम का दिन है, ऐसा तो रोज आराम है लेकिन बोलने के लिए आराम का दिन है, हम लोग आपको एक गिफ्ट देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं, उपहार देना चाहते हैं, तो बाकी आएगा ही ना, ये तो कुछ ना कुछ बोलेगा है ना, आएगा। अगर आप लोग एक पैकेट में मस्त ऐसा लिख के विद लव, नहीं तो भी लिखने का ना यार, विद लव एंड रिगार्ड्स ऐसा करके पूरा मस्त 10 रुपया अंतर रखे, मैं स्वीकारेगा क्योंकि आपने प्यार से दिया है। घर में जाके बोलेगा अरे 80 रुपया इधर से उधर तक बढ़ा, वहां से इधर तक आया तो मीटर सही नहीं था तो 75 रुपया, नहीं 85 को क्या बोलते हैं 85 रुपया वाला, दोनों मिलाएगा तो 165, वाने 165 ना, उसमें से 10 रुपया कम करो 155 बढ़ा, क्या करेगा। हमारा कलीसिया ऐसा है, सगना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, कैसा भी करके सग नहीं देता। वो चाहता, if he has done it for me, he has done the very best for me. उस पर ये पूरा पूरा विश्वास है, अगर प्रभु के हाथ में मैंने ये जीवन को दिया और प्रभु ने मेरे लिए चुन लिया है, प्रभु ने मेरे लिए चुन लिया है,
सबसे महत्वपूर्ण होगी। वन भावना है वो। मेरे जगह देखने को नहीं गया, उसने नाप के डोरी डालकर मेरे लिए अलग करके दिया। मेरा एक ड्राइवर था, मेरा तो बहुत ड्राइवर थे, अभी भी ड्राइवर है, मेरा नेवी बेटा को ड्राइवर है। तो मेरा जो ड्राइवर था, मेरा जो मानी था, बहुत मस्त आदमी था, उसको तो तारीफ बहुत हुआ है, बहुत मेहनती आदमी है, बहुत ही अच्छा स्वभाव वाला एक लड़का, बहुत अच्छा स्वभाव वाला। जोने जमाने में जब हमारा आराधना चलता था, वो लड़का लोगों को लेकर आता, नया पैसा नहीं लेता, उसका छुट्टी का दिन है संडे, पांडुम जाता, वैसे लेकर आता, और दिन रत्ना का मैं छोड़ता, अशोक भाई उसके बीच में झगड़ा करता, ये सब होता, फिर भी वो बेचारा उसने एक दिन मुझको कहा कि साहब मेरा साला, उसको दूसरा अच्छा शब्द क्या है, दूसरा अच्छा शब्द नहीं है, अरे साला का दूसरा क्या अच्छा शब्द हो सकता है, ये ऐसा ही मैं बोला, अरे मैं तेरे को पैसा दिया ना, वो पैसा तो तू हवा में नहीं उठाया ना, शादी के बाद जो पैसा दिया, नहीं नहीं नहीं, तो क्या हुआ, मेरा साला ने मेरे लिए एक जगह खरीद के रखा, तूने देखा नहीं, आप मेरा साला को नहीं पहचानते, अगर उसने मेरे लिए जगह खरीदा ना, वो पूरे देश में सबसे अच्छा होगा। तो साला में इतना विश्वास है, उससे कई गुना ज्यादा विश्वास मुझको मेरा प्रभु में है। मैंने देखा नहीं है, लेकिन उसने चुन लिया है, डोरी उसने हरकर नाप के रखा है, वो मन भावना है, इसलिए आई रेस्ट एट रेस्ट। इसलिए पिया हूं उसके लिए नहीं है, पागल हूं उसके लिए नहीं है, बेवकूफ हूं इसके लिए नहीं है, मैं जानता हूं, मैं जाके देखूंगा तो उसमें ज्यादा कोई दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो जानता है, क्योंकि आदि से अंत को जानने वाला वही है। रिकॉर्ड तो होते रहते, क्या करेगा, अभी इसको बीच बीच में रुको, चालू करो, ये असंभव है ना। मेरे बचपन में मेरे एक मित्र का शादी हुआ, थोड़ा मुझसे बड़ा है, मेरे सारे मित्र लोग सब बड़े, बहुत बड़े बड़े होते हैं, अब ये छोटे बच्चे लोगों के साथ कोई ऐसे दोस्ती नहीं रहता, वो लोग ऐसे बचपन की बात करते ना, अब तो थोड़ा ऊंचा ऊंचा बात सुनने को अच्छा लगता, बड़े बड़े लोगों के साथ बड़ा उसकी शादी हुआ, शादी के लिए टाइम हो गया, तो मुझको बोला कि देखो कपड़ा चुनने के लिए तेरे को आएगा है, मैं बोला शनिचर को चलते हैं, हमारा छुट्टी है, तो गया कपड़ा चुना, उसके लिए कपड़ा लिया, उसके बाप के लिए लिया, माँ के लिए लिया, उसकी बहन तो है, एक के लिए लिया, दूसरी बहन बोला देखो मैं देखूंगा नहीं, देखूंगी नहीं, साड़ी बड़े जो लेगा वही सबसे अच्छा है। मुझे वो जमाने में ये लड़के लोग का कपड़ा के बारे में ज्यादा कुछ आइडिया नहीं है, ये साड़ी चुन लिया, वो देखने को आता नहीं, वो उधर जाके रिसेप्शन में बैठते हैं, हमारे उधर की दुकान पर बहुत सुंदर दुकान, अभी तो सब जगह ऐसा हो गया, जुने जमाने में हमारे उधर एक तो दुकान था, वहां आराम से सोफा कोल्ड ड्रिंक पी के आराम से बैठते, वो लोग चला के दिखाएगा दिखाएगा दिखाएगा, तम फैशन फैब्रिक करके एक दुकान है, वहां गया तो बैठा, तो ये लड़की बैठा, उसको बुलाया, उसको भाई ने बुलाया, उसको मां ने, नहीं 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 प्रदर्शन जो रहेगा, क्योंकि मैं लेगा ना मैं कुछ भी बोल देगा, तो उसके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा, बराबर है ना, इतना अच्छा नहीं बोले तो मान अच्छा, तो प्रभाव नहीं आना, अभी ब्लाउज का कपड़ा लेने, तो मैं देखा कि उधर एक कपड़ा मुझे ठीक लगा, चमकता वो, मैं देख ध्यान नहीं दिया, मैं उसको लिया घर में लेके आया, लोग का सब रिश्तेदार लोग आते देख, ये तो ये शादी में पहनेगी, ब्लाउज का कपड़ा, साड़ी सबको बहुत पसंद। तो उसकी एक रिलेटिव बहुत क्लोज कोई कसीन, वो जाके मस्त कपड़ा साड़ी लेके जाके उसको मैचिंग लेके आया, ब्लाउज सिला चुपचाप, ये भी सिला,
शादी में किसी को पता नहीं चला वो बन गया है चमक तो उसकी माँ अरे तू भूल गया क्या दूसरा ब्लाउज है ना वो डालो उसको भाई बोलती क्या दिख गया है चुप वो ये भी बहुत शानी है जो डाला वो डाला अरे कौन इसको से बोलता नहीं गया अरे शादी में आए सारी लोग तारीफ करते हैं उसका अरे बिगड़ा तो कहां से लिया रे मैं बच गया अभी आप लोग की शादी हो गया कपड़ा चुनने के लिए मुझको बुलाएगा मैं आऊंगा नहीं क्योंकि वो ब्लाउज ले लिया ना उससे मुझे शौक का के बैठा इसके लिए सब छोड़ दिया उसने चुन लिया इसलिए मैं पहनूंगा ऐसा नहीं है मुझे पता है दैट इज द वेरी बेस्ट फॉर मी परमेश्वर की महिमा कुछ लोग परमेश्वर की महिमा को देखता अपने पिछले दिनों में सुना परमेश्वर की महिमा दुश्मन को थरथराता वही महिमा मुझको पवित्र करता मुझको नहीं पवित्र करता मेरे आसपास के जगहों को मेरे संपर्क में आने वाले लोगों को वो पवित्र करता परमेश्वर की महिमा इसने परमेश्वर की महिमा को देखा है महसूस किया है वो देखकर वो कहता तेरी महिमा का दर्शन करकर मैं आराम करूंगा तू चुन लेना मेरे लिए मेरा भविष्य को तू तैयार करना मैं आराम करता ये जानकर कि बहुत सुंदर भाग तूने मेरे लिए चुन लिया मेरे कटोरी को तूने ऐसा भर दिया है हालेलुया मेरे निज भाग को तूने सुरक्षित करके रखा है इसलिए प्रभु के सीने में सीने पर ना सीने पर मैं सिर रख आराम कलीसिया में है ना अच्छी तरह मैं गीत गाता नहीं सिखाता भी नहीं दूसरे सब कलीसिया में एक शब्द बोलेगा पूरे लोग करके गाते बहुत अच्छा लगता है सर लेकिन कोई जरूरी नहीं है हम लोग थोड़ी गीत सिखाने के लिए सीखने के लिए इधर आया ये सब गीत की सभा नहीं है ना फिर क्या है कुछ लोग को मुंह खोलने को भी कितने तकलीफ होता है हम इधर आते हैं हम भजन गाते वही अच्छा मैं यहोवा को धन्य कहता क्योंकि उसने मुझे समझी दी है पर मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है मैंने यहोवा को निरंतर अपने समक्ष रखा है इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता मैं कभी नहीं डर पड़ा होगा कारण जानते हो अभी मैं उसको व्यक्त करना चाहता स्पष्ट करना चाहता वो परमेश्वर के संगति में विश्राम करता है परमेश्वर की महिमा डूब कर बैठा है इसलिए वो बोलता कि तू मुझको समाधि देकर तू मुझको विश्राम दिलाया इसलिए मैं ऐसा बैठा ऐसा बैठता हो मैं यहोवा को अपने सम्मुख रखा इसलिए मेरे दाहिने हाथ इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता मैं कभी नहीं डर पड़ा होगा ये आदमी रात काल में भी शिक्षा पाता है रात की अवस्था में भी वो प्रभु के संग रहने के कारण प्रभु के हाथ का स्पर्श पाकर वो आराम करता विश्राम पाता प्रभु की उपस्थिति में प्रभु की महिमा
सियोन की जो महिमा है वो प्रभु की महिमा को प्रतिबिंबित करने वाली बात है, पिछले दिनों में हमने सीख लिया। सियोन की खुद की कोई महिमा नहीं, सियोन एक सुंदर दर्पण सा है, नहीं है? वो दर्पण परमेश्वर की महिमा को प्रतिबिंबित करता है, प्रकट करता है, नहीं है? वो जितना ज्यादा दर्पण प्रकट करता उतना ज्यादा महिमा जगत में प्रकट होता, और जितना ज्यादा महिमा प्रकट होता उतना ज्यादा दुश्मन थर थर के हुए, घबराते हुए, डर के मारे भागता, और मैं और मेरे आसपास के जगह पवित्र किया जाता। वो पवित्रता में, वो सौभाग्यमान ऐसे अवस्था में मैं विश्राम पाता है। मुझे लगता प्रभु हमें पवित्र करता उसका मतलब है मारेगा, कूटेगा, और मैं परिश्रम करेगा, डायरी में लिखेगा कल 15 झूठ बोला, आज 10 झूठ बोला, और उसके बाद 8 झूठ बोला, तो बड़ा प्रोग्रेस है, नहीं? ऐसा प्रोग्रेस होता है, आप लोगों में प्रोग्रेस होगा, मेरा उल्टा होएगा, इसके लिए मैं लिखता नहीं। मैं लिखेगा तो ऐसा होगा कि कल 15 झूठ बोला, आज 18 बोला, और परसों 20 बोलूंगा। ये सब नहीं है, प्रभु की सफाई महिमा में जब मैं अपने आप को लटकाता है। वेदी पिछले दिन प्रभु ने वेदी के विषय में सिखाया, वेदी पवित्र किया गया, वेदी वेदी को छूता ये बलि पवित्र बन जाता, वेदी पे मैं खुद ही नहीं मानता। हम लोग गीत गाते वेदी पर अपने आप को लेटाया, वो सब झूठ है, वो मैं अपने आप को कुछ करने के लिए कहता और प्रभु को धोखा देने के लिए कहता। जो वेदी पे लटकाता है उसको बांध के रखता, वो खुद ही नहीं मारता, वो अपना मर्जी नहीं चलाता, नहीं चलाता। मेरा अहंकार, मेरा गुस्सा, मैं तुमसे अच्छा हूं, गलत तू है, ये कुछ नहीं बोलता, चुप लेते रहता, लाश समान लेते रहता। वैसे बलि पवित्र किया जाता, विश्राम है, आराम है, परिश्रम नहीं है, संघर्ष नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, स्ट्रेन नहीं है। प्रभु की महिमा का पूर्ण रूप में देखूंगा, प्रभु की महिमा की पूर्णता में मैं आ जाऊंगा, वहां इतनी पवित्र पवित्रता है और वहां आराम है। मैं सोचा कि पवित्रता मुझे जलाएगा, पवित्रता मुझे बहुत अफसोस कर देगा, परेशान कर देगा, नहीं है। ये पवित्रता में मैं आराम करूंगा, विश्राम पाऊंगा, माय सोल शाल रेस्ट। एक भक्त का अनुभव है महिमा देखने, एक बात होती है महिमा देखकर भूत भागता है, वो सुंदर बात होती है। महिमा के कारण आसपास के लोग भी परमेश्वर की महिमा से पवित्र बन जाता, और याकूब के परमेश्वर के दास बनकर, अब्राहम के परमेश्वर के दास बनकर आता, प्रधानी लोग आता, सामर्थ्य लोग आता, सामंत लोग आता, ये सारे चीज हमने पिछले एक दोबारों में देख लिया। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। जब मैं पढ़ लेता, जब मैं स्पर्श करता, जब मैं बात करता, जब मैं मुस्कुराता, पवित्रता फैल रहा है, खुशबू उग रहा है, नहीं? पिछले दिन आपने देखा उसे खुशबू है, वही खुशबू दुश्मन के लिए बदबू बनता है, ये चीज हमने सीख लिया। उसकी पूर्णता में उस मेरे को छुट्टी मिलता, आई गो ऑन ए हॉलीडे, मुझको आराम है। That is the greatest experience of a surrendered child of God. Rest in God's glory reflected by Zion. सियोन प्रतिबिंबित करने वाली परमेश्वर की महिमा में वो आराम करता, चिंता छोड़कर आराम करता, जिम्मेदारियां भूल गया, नहीं प्रभु, काम छोड़ दिया, नहीं है, मेहनत नहीं करता,
करता है, पसीना बहता है, लेकिन मेरा दिल शांत है, मेरा आत्मा आराम कर रहा है, परमेश्वर की महिमा के कारण है। चुन लिया उसने मेरा भाग को, नहीं दूरी बहुत मन भावने जगह पे उसने आया है। जैसा मेरे ड्राइवर के सलाह ने इतने दूर चुन लिया, इसको पता है, और ये जाके आके बोलो सांप में क्या बोलूं, मुझे पता भी नहीं कि हमारे देश में ऐसा जगह है, पूरा हरा भरा है, सारे चीज है उसके अंदर, इतने तरह के स्पाइसेस है वहां। किसने चुन लिया? मुझे जाके देखने की जरूरी है? नहीं नहीं, मुझे जानने की जरूरी है? केरल से एक एक भविष्यद्वक्ता को बुलाकर मेरे बारे में भविष्यद्वाणी कराई है, नहीं 225 साल हो सकते कभी प्रभु नहीं आए तो ना, तो 225 में मुझको एक कौन सा गाड़ी रोल्स रॉयस रहते जूना आदमी है ना, जूना आदमी एक रोल्स रॉयस मिल जाएगा, ऐसा तो मैं बड़ा खुश होता है। जरूरी है जानना? पाप है? नहीं गलत नहीं है, भविष्यद्वाणी देते हो तो पाप है? नहीं। जरूरी है? मैं तो इसलिए कि मैं जानता हूं उसी ने प्रबंध किया है। यस हालेलुया। ये चीज की जो जानकारी होती है, दिस रेवलेशन कम्स व्हेन आई एम बास्किंग इन हिज ग्लोरी, जब मैं उसकी महिमा में अपने आप को खोता तब ये समझदारी आ जाती है, तब मैं विश्राम पाते हैं। आप लोग जो बीच क्या बीच है, गोवा में जाओगे तो अनेक बीच है, तो वहां जाओगे तो बहुत सारे यहाँ के लोग भी है, ज्यादातर बाहर गांव के लोग है। ऐसा एक रिक्लाइनर होगा, जूस होगा साइड में, लेटा है, कैसे लेटा मैं इधर नहीं बोलता क्योंकि आप शर्मिंदा हो जाएंगे, इतने धूप कड़ी धूप, एक छोटा सा एक छतरी पीछे से लगाया होगा, तो चिंता छोड़कर दुनिया भूलकर सो रहा है। सूरज की रोशनी है ना, उसको पाते हुए तो हजार सूर्य से अधिक शोभायमान प्रभु की महिमा में जब मैं अपने आप को लेटा होगा, वहां विश्राम ही विश्राम है, वहां आराम है। रेस्ट इज द एसेंस ऑफ क्रिश्चियन वॉक, मसीही जीवन के सबसे परम प्रधान पात्र प्रभु में ये आराम है। बाकी सब मेहनत का बात है, बाकी सब आज आज से मैं परिश्रम करूंगा, कल से थोड़ा गुस्सा कम करूंगा, ऐसा निर्णय लेना अच्छा है, ले लो ऐसा निर्णय ले लो, अच्छा है, लेकिन उससे जरूरी नहीं है कि आप किधर पहुंचेगा। इस जीवन को मार डालो ना यार, इसको वेदी में लेटा होना, उसको बोलना यार मैं तुझ में हूं, तू कुछ करना कर ले मेरे से, मैं कुछ नहीं करता, तू कर ले। तो काम नहीं करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा, परिश्रम नहीं करेगा। मैं मेरे बाप के लिए बहुत परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं, आप जितना मार्क लेता है उसको विषय नहीं है, उसको विषय नहीं है, उसको एक चीज जानना है, जितना मेहनत तू कर सका उतना किया है क्या, एक ही सवाल है। एक बार मैं जानता है कि रात को वो आया और मेरे बड़े भाई को वो थोड़ा सा कम मार्क मिला था मैथ्स में, बहुत उदास था मेरा बड़ा भाई, बहुत उदास था, रोता, खाना नहीं खाता, ऐसे था। तो पूछो क्या हुआ, बोला इतना ही हुआ। ठीक है, जितना तू पढ़ सका उतना पढ़ा था, दिन रात मेहनत किया ना, क्या रोते हो, अपना काम हो गया, हमारा काम हो गया भाई, हमने मेहनत किया है, हमने पढ़ाई किया है,
अरे हमारे पास इतना ही दिमाग है भाई, चलेगा? जीवन को जब प्रभु का हाथ में सौंपते हम आलसी नहीं बनता, बड़े उत्साहशीलता हमारे में आता है, अपने उत्साही बनता, अपने मेहनती बनता, लेकिन दिल आराम करता है, संघर्ष नहीं। मुझे पता है कि जब मैं 14 बरस या 15 बरस तक एग्जाम लिखने को जाता तो मुझको कितना टेंशन होता, मुझे टॉप आना है, कोई मेरे पीछे बहुत तकलीफ है, बहुत सब कुछ जानता तो भी एक दो सवाल एक दो दिखते नहीं है, मैं टेंशन है ना, एक दो चीज छोड़ देता। इसके बाद मैंने जीवन को वेदी पर लिखाया प्रभु की कृपा से, मुझे चिंता नहीं, पढ़ाई नहीं करता, बात करता, बेवकूफ की तरह प्रार्थना करता, जीरो देख के देखो ना, मेरा भाग्य, मेरा कटोरी का हिस्सा प्रभु है, इसलिए आराम है, इसलिए आराम है। तो मुझको कंपाउंडर बनाना चाहता, खुशी से अच्छा कंपाउंडर में बनूंगा। तू मुझको डॉक्टर बनाना चाहता, बना, बहुत अच्छा डॉक्टर बनूंगा मैं। तू मुझको इंजीनियर बनाना चाहता, बना, बना के दे, मैं बनूंगा। प्रभु जानता है, अगर हम प्रभु की महिमा को करीब से देखें, तो हमने पिछले दिनों में अनेक बार सुना, प्रभु की महिमा को देखते देखते हम उसको पहचान में बढ़ते जाते हैं, हम उसको पहचानता, प्रभु को प्रभु की महिमा के कारण हम उसको पहचानता। इसलिए स्वर्गदूत लोग नजर उठाकर देखता ही नहीं है, उसकी महिमा को करीब से उन्होंने देखा है। ऐसा परमेश्वर का दास विश्राम, उसको पता है, इसलिए नहीं कि वो सब कामयाबी पाया है, उसने नहीं कि सारी लड़ाई जीता है, इसलिए नहीं कि जहां पहुंचना चाहिए तो वहां पहुंचाया गया है, नहीं है, लेकिन उसको पता है कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी नहीं डगमगाऊंगा, इस कारण मेरा हृदय आनंदित है, मेरी आत्मा मगन हुई है, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, मन आत्मा और शरीर, ये महिमा सिर्फ आत्मा को शांत करने वाली महिमा नहीं है। हम तो हमारे जीवन को टुकड़ा टुकड़ा करके आत्मिक जीवन, भौतिक जीवन, मानसिक जीवन ऐसा अलग 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 करके रखा है। इतवार का जीवन तो बड़े आत्मिक जीवन है, हमारी बहुत आत्मिक जीवन है, लेकिन हम सोमवार से थोड़ा सा भौतिक जीवन जीते हैं, नहीं है। यहां कहता है, तेरी महिमा में डूबकर, तेरे समीप बैठकर, तेरे संगति में बैठकर, ना सिर्फ मेरा आत्मा शांत है, ना सिर्फ मेरा मन शांत है, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, शरीर भी चैन से रहेगा। मैं एक आदमी को इसे देखता टीवी में आता, 90 वर्ष के करीब है वो, कितना 90 वर्ष, कल मैं सुनता क्या खुदी मानता हो, नाचता, उसका चमड़ा क्यों ही सब रहता मुझे पता नहीं, वैसे जो मैं प्लास्टिक सर्जरी किया कि मालूम नहीं, उसको पूछने का तो, लेकिन वो पूछने क्या दिखता, क्या प्लास्टिक सर्जरी करेगा तो इधर थोड़ा सा कुछ कर सकता है, लेकिन ये सब नहीं हो सकता है, ये सब प्लास्टिक सर्जरी का काम नहीं है। तो में उसका यौवन निरंतर नया होता जा रहा, नया होता है, नया होता जा रहा, शरीर भी चैन से रहेगा, हमारी आत्मा प्रभु में निश्चिंत रहता। मैं जानता हूं, कम से कम मैं हूं,
इतना चिल्लाएगा, इतना गुस्सा करेगा, कुछ भी करेगा, मेरी आत्मा शांत है, मैं जानता हूं मैं कौन हूं। लेकिन परमेश्वर के दास कहते आत्मा ही नहीं, मेरा मन और मेरा शरीर बाकी जो जीवन है मसीही जीवन है वो दिखावट वाली जीवन है, वो पूर्णता पाया हुआ जीवन नहीं है, वो अंश में, अंश में नहीं पूर्णता में ही बन जाओ प्रभु में तेरे समान, अंश में नहीं वही मां की पूर्णता का दर्शन पाने वाले व्यक्ति के विषय में ऐसा लिखा है, उसका शरीर, उसका मन और उसकी आत्मा विश्राम पाया। पता नहीं किसने मुझको एक व्हाट्सएप, कभी कभी कोई कुछ 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 भेज देता है, मैं शनिचार को और इतवार को थोड़ा सब बैठता क्या है, शनिचार दोपहर से होकर संडे मिडनाइट तक मैं व्हाट्सएप ये वो कुछ ऐसा भी बहुत ज्यादा नहीं देखता, अखबार नहीं पढ़ता, मैं दूसरा कुछ नहीं करता, मैं ऐसा है तो मुझे अच्छा लगता। फिर भी मैंने ये देखा एक औरत, एक युवती है, हिंदी में युवती है, तो वो कैंसर से पीड़ित है, वो उसको मरने के लिए कुछ घंटे बाकी है, तो डॉक्टर लोग ने उसको हॉस्पिटल से भेज दिया, घर में आया, उसको इंजेक्शन की कोई इंजेक्शन देता क्योंकि दर्द इतने दर्द है, उसके बीच में वो कुछ शब्द बोल रहा है, बोल रहे कि भाई और बहनों आप लोगों को इतना दर्द नहीं है ना अभी जितना दर्द मुझको है, मैं बेहोश होती है, बीच बीच में होश में आता, अभी मैं होश में आया इसलिए मैं बात करता, अभी कुछ समय के बाद में चला गया होगा, आप लोगों को अब थोड़ा आपका शरीर ठीक है, तंदुरुस्त है, आप लोग बात कर सकते हैं, गीत गा सकता है, प्रभु की आराधना करो, खुशी से आराधना करो, रो रो के मत करो, खुशी से आराधना करो। मैं भी करना चाहता लेकिन मैं बेहोश हो जाती है जब तक, तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के जैसा होता तो मैं चिल्ला चिल्ला कर गीत गाऊंगी, आप दूसरे लोगों के लिए जियो, प्रभु के लिए जियो, दूसरों के लिए जियो, अपने आप को मार डालो, ये जीवन में कुछ रखा नहीं है, मैं बहुत खुश हूं कि प्रभु ने मुझको चुन लिया, लेकिन मैं नाराज हूं कि प्रभु के लिए जिया नहीं है, मेरे लिए जिया, मेरे पति के लिए जिया, मेरे बच्चे लोगों के लिए जिया, आराधना किया, खुशी से गीत गाया नहीं, मैं औरों के लिए जीना चाहता, मैं अपने आप को मरना चाहता और प्रभु के लिए जीना चाहता, खत्म होगी वो रिकॉर्ड किया वो खत्म हो गया, विश्राम प्रभु में, रात काल में विश्राम, कमजोरी में विश्राम, पराजय में विश्राम, हालेलुया, लड़ाई के मैदान में विश्राम, यस लॉर्ड, मेरा आत्मा आराम करता, मेरा प्राण आराम करता, मेरे शरीर में भी चैन है, यस लॉर्ड, मैं बड़े गुस्सा गुस्सा करके ना मैं हंसता, वो मेरे एक आदत है, मुझको गुस्सा भीतर से बहुत ज्यादा आता नहीं लेकिन बाहर चिल्लाने का बहुत ऐसा आदत है, वो मेरे बीवी को भी अच्छी तरह मालूम है, लेकिन मेरी बीवी बोलता है ये सब नाटकबाजी है, लेकिन तेरा शरीर ऐसा ऐसा होता है तो शरीर को भी शांत करो ना, जैसा आत्मा शांत है, मन शांत है, शरीर को भी शांत करो, होना है नहीं तो शैतान फायदा उठाता, जो दिखाई देता वही शैतान को देखता, मेरे भीतर की बात प्रभु जानता है, तो शैतान को मैं मौका क्यों दूं? यस अमें मैं पहले कल प्रभु को बताया था कि जो हाथी मेरे घर में काम करने को आया उसको प्रार्थना पे बुलाएगा तो कभी नहीं आएगा, बोले खरे बाप रे आया तो उसको फायदा आएगा, तो उसका फायदा शैतान फायदा उठाएगा, शैतान बोलेगा वो आदमी है ना रे तेरे को फाड़ देगा,
छोटा गलती भी करेगा ना फाड़ देगा। जो प्यार से बात करते उसके पास जाना है। मेरे उधर एक डॉक्टर है बालकृष्ण, बहुत अच्छा डॉक्टर है, और इतना अच्छा डॉक्टर है, उधर जाएगा ना सब बीमार लोग इतने खुश होता है। वायदा तो बहन जी और बैठी है, क्या पियोगे, चाय पियोगे, तभी बहन का आधा बीमारी चले गया। एक बोलते हैं सर दुखता, हाँ ये तो बहुत तकलीफ की बात है, बहुत ज्यादा दर्द है ना, कितना दर्द होता होगा। अब एक इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, इंजेक्शन लगाया, फिर इससे जो बाकी बच्चे लोग सब सही है। अरे क्या डॉक्टर है यार, दूसरे डॉक्टर है यार, बेकार डॉक्टर है वो, शशिधर बेकार डॉक्टर, बैठो मेरे तो चुप बैठो, नहीं डॉक्टर चुप बैठो, मुझे तपास करने दी। क्या डॉक्टर है भाई, लेकिन उसके पास जाएगा ना चलता होता है, उसका अक्ल है, बाकी लोग कुछ करता है तो अच्छा है, तुम भी अच्छा, ऐसे हो जाते हैं वो तो हो जाते। अरे कुछ समय कितना गुस्सा करता है, छोड़ना, अरे तू झूठ, अरे झूठ छोड़ना यार, मैंने भी कितना झूठ बोला था, वो सब होता है, हम इंसान है ना, तो चल चल अपन साथ में प्रार्थना करते, तो पागल वेदी पे लटका काटो तो वो बच जाए, तोड़ो बन जाएगा, बेकार है वो, जितना भी बालकृष्ण के पास जाता है वो सब मरता, खुशी से मरता, उसको आता नहीं कुछ भी, वो खाली अच्छा अच्छा बोल रहे कुछ करके भेजता है, सरकार तक क्यों मरे, ऐसा ऐसा प्यारे प्यारे करके भेजने, हम ऐसे करते हैं चलेगा, मैं प्रार्थना करूंगा तुम भी प्रार्थना करो सब ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं ठीक हो जाएगा, छोड़ दो, प्रभु पे आश्रय लगाओ, बाकी सब बेकार की जीवन है, बेकार की उपदेश है। आप लोग आप नाराज हो जाते हैं, चलता नाराज करना है अच्छा है, इसके लिए बपतिस्मा देने वाला जो है ना कहते तू तो सांप पसंद की है, तू तो सांप के बच्चे है, ऐसे बोलोगे तो कोई आएगा बोलना मानते नहीं बेटा, इधर चलते इधर सांप तो बहुत प्यार कर, आजा आजा आजा, तेरे को क्या है बच्चा बीमार है, चल चल प्रार्थना करते, ये क्या वो तो चलेगा नहीं, कोई तो मानते ये कान वो मानता है, ये भी है वो भी है, कल किधर से मैं मंदिर से आता, अच्छा अच्छा सब एक चलो बैठो, कितना शांत है, कितना लोग आएगा, कितने खुशी से आएगा। शैतान को लात मारने वाली महिमा चाहिए तुझमें, दुश्मन को थर थराने वाली महिमा चाहिए, तेरे महिमा लोगों को पवित्र करना चाहिए, हालेलुया, और उसकी महिमा में तुम आराम पाओगे, तो आराम से रहोगे, विश्राम से रहेगा, हालेलुया। तो मेरा प्राण को अधोलोक में नहीं बाकी सब में छोड़ देता, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि समय बहुत आगे बढ़ गया, अभी हमें किधर जाना है, 73 में किस से शुरू करते हैं, मेरा मन तो कड़वा हो गया था, ये आदमी जो है ना असाप है, ओ सच बोलता स्टाइल नहीं मारता, अनेक परीक्षाएं था, लड़ाई के सामने में खिलकुल नहीं हिलता था, ऐसे सब बोलने वाले लोग तो महान लोग हैं, महान लोग हैं, ये साधारण आदमी है, ये कहता मेरा हालत बहुत खराब था, कड़वा हो गया था, मैं नहीं है अंतकरण चित गया था, मैं पशु शरीर का था, समझता भी नहीं था। सबसे अद्भुत की बात है, तेरे संग रहकर भी मैं ऐसा बन गया, मैं ऐसा बनता तो प्रभु के मार्ग से हटकर चलता था, प्रभु की उपस्थिति से मैं अपने आप को भगाता तब ऐसा होता, प्रभु के निकट नहीं रहता तब होता। ये आदमी प्रभु के निकट रहकर उसका हालत ऐसा हो गया, ऐसा वचन में लिखा नहीं है, चोरी नहीं किया, लड़ाई नहीं किया, झगड़ा नहीं किया, सच्ची कहता सच्ची के सिवा कुछ नहीं कहता, दान देता, क्या देता, दान दान देता,
प्यार करता, मुस्कुराता, गुस्सा नहीं करता, सच्चा इंसान है। तो भी हालात कैसे, तो भी रात की अवस्था, रात काल में दाऊद कहता, रात काल में भी मैं ये सारे चीज के बीच में उपदेश पाता रहता हूँ। इसको कहता नहीं है, ये कहते कि यही सब था, लेकिन 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 तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था। एक बार प्रभु की महिमा में आप अपने आप पे लटाओगे, आप वो महिमा छोड़कर किधर भी नहीं जाता। रात आए, लड़ाई आए, परेशानी आए, अंधकार छाए, आप नहीं छोड़ता, आप नहीं छोड़ता। पशु समान कर गया तो भी नहीं छोड़ता, कुछ नहीं समझता तो भी नहीं छोड़ता, दर्शन नहीं पाता तो भी नहीं छोड़ता, वाणी नहीं सुनता तो भी नहीं छोड़ता, वो आपसे बात नहीं करता तो भी नहीं छोड़ता, बात नहीं बनता तो भी नहीं छोड़ता। क्यों है? महिमा की पूर्णता कैसे मालूम है? उसके दाहिने हाथ में खुशी है, ऐसे हमने पिछले भजन में पढ़ा, नहीं खुशी की पूर्णता है। वही दाहिने हाथ से उसने मुझको मजबूती से पकड़ कर रखा है, वहां मैं सोता हूँ, पशु बनकर भी सोता हूँ, जंगली जानवर सब बन गया तो भी सोता हूँ। दाहिने बाग पे आनंद की पूर्णता है, आराम है, विश्राम है। इसीलिए तू क्यों ऐसा बैठा है? प्रभु ने कुछ किया है तेरे लिए? नहीं। जीवन में कामयाबी पाया? नहीं। उड़ के जाते क्यों नहीं है? उड़ नहीं सकता, महिमा ने मुझको पकड़ के रखा, मुझको गुलाम, मैं गुलाम बन गया है। हमारा मेरी कॉम है ना, हाँ, दुनिया में फर्स्ट रैंक होल्डर है वो, किसमें? सबसे ज्यादा वर्ल्ड बॉक्सिंग मेडल उसको मिला, इंडियन है। तालियां, तालियां। हिंदुस्तान को उसने इतना गर्वित किया, पूरे विश्व में ऐसे महिला नहीं है जो विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप को 6 बार लिया। इधर कोई बैंकर सोचते मुझको बॉक्सिंग में बेचता तो मैं भी लेता, पहले बड़ाई होने दे उसके बाद। सब मेरी कॉम का हाथ से उसका क्या वेट होगा? उसका विश्वास भी नहीं करेगा, 48 किलो ही है, मतलब मेरे एक पैर का वेट है। कितना किलो? 48। ऐसा मजबूत हाथ, परमेश्वर के ऐसे दाहिने हाथ, मेरी कॉम का हाथ में जितना दम है वो 14 किलो है, नहीं तो परमेश्वर का दाहिने हाथ में कितना दम होगा? ऐसा दबा के रखेगा तो उड़ सकते हैं क्या? तो क्या दबाया होगा उसको? ना नहीं है। उसकी महिमा की पूर्णता में जो खुशी है, जो आराम है ना, उसका गुलाम में हो। दाऊद ने 16 में कहा उसके दाहिने बाग में आनंद की पूर्णता है। दिल तो छेदित था, और कड़वाहट था, लेकिन महिमा में आराम करता है। क्या हिम्मत है? हिम्मत है क्या है? तू सिर्फ मुझको तेरे दाहिने हाथ से पकड़ कर रखेगा ही नहीं,
मुझको सम्मति देता हो मेरा वही भी करेगा। अरे तू महिमा करके मुझको अपने पास लेगा, महिमा करके तेरी महिमा की पूर्णता जिसमें मैं अपने आप को आराम कराता, वही महिमा की पूर्णता मैं पाऊंगा। पिछली द्वार को प्रभु ने अभी समझाया, परमेश्वर की महिमा को प्राप्त करने के लिए ही उसने हमको चुन लिया है। अंश नहीं पूर्णता, ये जानकर ये आराम करता, ये बेवकूफ की आराम नहीं है, ये पागल की आराम नहीं है, ये पियक्कड़ की आराम नहीं है, ये अक्कल की बात है। आराम हमारी बहन कभी कभी जो जमाने में जब वो गांव जाती थी, उनके दो बच्चे हैं, तो ट्विन्स है, तो लड़का रात को बोलेगा मम्मी सो जा सो जा, बहन को बोलेगा नानी तू सो जा, पापा तू भी सो जा, मैं जाऊंगा। नहीं सोता, पूरा रात जागते रहता, मम्मी को दिखता, पापा को दिखता, बेट को दिखता, उसे बढ़कर लगेज दिखता। नहीं सोता, कभी नहीं सोता, जागता रहता, छोटू जागता रहता, ये लोग कुत्ता की तरह सोता है, कुत्ता की तरह नहीं आदमी की तरह सोता, कुत्ता की तरह नहीं सोता, आराम से सोता। एक छोटू जागरूक रहता, पिता परमेश्वर कहता मैं नहीं सोता, मैं नहीं उठता, तू विश्राम पाओगे, इसलिए विश्राम है। मेरे बाप को उसने सुरक्षित करके रखा, ना सिर्फ चुन लिया, जो चुन लिया वो मुझे बहुत मेरी बहुत पसंद की है, और इतना ही नहीं हो मैं मेरी पसंद की वो हमेशा के लिए सुरक्षित रखा गया। और अब कहता है इतना ही नहीं, ये महिमा में तू मुझको आराम दिलाएगा, ये महिमा मुझको महिमा से मुझको धारण कराकर तू मुझको तेरे संग उठा लेगा, इसलिए आराम है, इसलिए विश्राम है। देयर इज रेस्ट इन साइंस ग्लोरी, सियोन की महिमा में विश्राम है, सियोन की महिमा में आराम है। तभी मैं निरंतर तेरे संगी था, तो सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा, तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा, स्वर्ग में मेरा हाई कौन तेरे सिवाय, मुझे कोई नहीं है। अभी सच्ची बात यह है, तेरी महिमा में मैं अपने आप को खोने के कारण अभी कुछ भी चीज कोई देते तो भी मैं खुश नहीं होता। क्या है वो तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। मेरा एक दूसरा देश में गया है, उधर अभी वो बेटियों के साथ मजा मार रहे हैं, ठीक है। तो पता है ऐसे देश है, बहुत सुंदर देश है, उधर कुछ धूल नहीं है, महिला नहीं कुछ नहीं है, तो वो फोन करके ऐसे बोलता है कि अरे इधर क्या जगह है, और धूल भी नहीं है, कपड़ा भी मैला नहीं होता, ठंडी भी है, अभी अभी ऐसा देश इतना ठंडी नहीं है, वो दूसरा उसका ठंडी का मौसम अलग है, जब इधर गर्म होता तब उधर ठंडी होता, इसी जगह पांच जगह है, सब कुछ ऐसा 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 है। तो जिससे वो बात कर रहा था बोला देखो एक साल के बाद इधर आएगा तो इधर रह पाएगा क्या, बोलते मुश्किल है क्या करेगा। कहते तेरे संग रखे बाकी सब चीज से सब कचरा लगता। बोलता मैं तुझको ये देगा वो देगा। बचपन में हम लोग एक गीत गाता था, गीत यहाँ के बच्चे लोग नहीं गाता,
बताने गए I met Jesus at the crossroads when the two ways meet. Satan too was standing there and he said, come this way. Lots and lots of pleasures I can give to you today. But I said, no, there's Jesus here. Let's see what you offers me. Here all my sins forgiven. I'm there at home in heaven. Praise God, it's the way for me. वो कहता है मैं नुक्कड़ पे यीशु से मिला तो थोड़ा सा बाजू में शैतान भी कराता शैतान कहते मेरे साथ आओ मैं तुझे बहुत ज्यादा खुशी बहुत ज्यादा संपत्ति और बहुत सुंदर शरीर मजबूत शरीर मैं दे दूंगा तो मैंने कहा नहीं देखो मेरे समीप यीशु खड़ा है वो मुझे क्या देता देखो मेरे सारे पापों को उसने माफ कर दिया और स्वर्ग में मुझे मेरे लिए अनंत काल के लिए एक सुंदर भवन को तैयार किया है मुझे मालूम है यही मेरा राह है तेरे संग रहकर बाकी सब चीज से थोड़ा सा नफरत हो गया कच्चा इसलिए मैं अवस्था कुछ भी क्यों ना हो तेरी महिमा की उपस्थिति छोड़कर नहीं जाऊंगा हिम्मत नहीं है उसके कारण नहीं है अब ये सब बोलना बहुत गलत है रिकॉर्ड हो रहा है कोई सुनेगा तो किसी को पता कोई सुनता नहीं वही सच्चा अच्छी बात है ये बालक भाई की खुशी के लिए वो करता है खुशी तो बालक भाई की भी नहीं है वो कैमरा खरीदा है तो वो सोचते है कि कुछ तो करना पड़ेगा इसके लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है और सारे देशों में जाकर वचन सिखाते पांच लोगों को सिखाने वाले दास वो इस टीवी में एक बार बार आकर एक चीज कहता कि आज तुम तंदुरुस्त हो लेकिन कल भी तू तंदुरुस्त रहेगा उसका कोई गारंटी नहीं है हिंदी में बोल भरोसा नहीं है कोई भरोसा नहीं है आज तुम्हारा नौकरी में ज्यादा तकलीफ नहीं है लेकिन कल नहीं होगा ऐसा बोल नहीं सकता इसलिए प्रभु के पास आओ क्योंकि कल ये सारे चीज बिगड़ सकता कल तकलीफ हो सकता तो आज प्रभु को खोजना अच्छा है देर न करना ये परमेश्वर के दास उसके कारण भी नहीं है आपत्ति हो सकता है विपत्ति हो सकता है संकट आ सकता उसके कारण नहीं है इसने कुछ चीज को चख लिया भाई चख लिया है उसने चख लिया है अभी बाकी सब चीज उसके सामने कचरा है अभी चाइना में जाके चाइनीज खाना का क्या आएगा तो ये सब कचरा कौन खाएगा मेरे को बोले पूछते हैं लेकिन पापा आपको चाइनीज इतना पसंद क्यों नहीं मुझे चाइनीज पसंद है लेकिन मैं चाइना में बहुत चाइनीज खाया हूं तो उसके सामने ये कचरा लगता कहते तेरे संग रहकर और कुछ नहीं चाहूंगा बंजू भाई हंसता है क्योंकि बंजू भाई चाइना में जाकर रोटी का क्या आया कुछ भी चीज पसंद नहीं है वो मंजू भाई है या साली भाई है साली भाई तो कचरा खाते मंजू भाई तो घर का आटा खाने वाले मुझे सारा चीज बहुत पसंद है मैं उसको बोल रहा था कि कल मैंने इस सांप को नहीं खाया क्योंकि उसने मुझको दिया नहीं सांप नहीं खाया और वो लोग चिकन फीट खाते मतलब कोमड़ी का जो पैर है ना बड़ी खुशी से खाते वो लोग वो चीज देख के मैं बोला ये चीज नहीं चाहिए ये तो लाभ पाने के लिए चीज नहीं है ये खाने के लिए नहीं वो चीज मैंने नहीं खाया मेरे कहने का मतलब है अगर आप तितम चीज को
आप छक लिया। यानी कि मेरे को पिक्चर की बड़े वीकनेस है। क्या है? कमजोरी ये होता है पिक्चर की वीकनेस है। लेकिन मैं आजकल डिसीजन लिया, महीने में एक से ज्यादा मुझे नहीं देखना, डिसीजन लिया है। ये डिसीजन डिसीजन कुछ नहीं है, प्रभु के संग रहकर 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 ये चीज आपको कचरा लगने लगे। पिक्चर देखना पाप है क्या? अरे यार दुलकर सलमान को जाके देखो, पिक्चर देखना पाप है, ऐसा मैंने नहीं कहा। बहुत सारे चीज में से हमारी दिलचस्पी हट जाते हैं, हट जाते हैं। मुझे कॉमिक शो बहुत अच्छा लगता था। कॉमिक शो क्या मालूम है? जोक्स, जोक्स। वो बहुत अच्छी चीज है, तंदुरुस्ती के लिए बहुत अच्छी चीज है। पहले मैं कॉमिक शो देखता था, अभी कॉमिक शो चालू करेगा तो क्या घटिया जोक्स है इसका, वो इतना घटिया जोक्स नहीं होगा। मुझको कुछ उससे कितने अच्छे जोक्स यीशु सुनाता है, ये सब बेकार की जोक्स है। वो गलत है क्या? जोक्स सुनना ये घटिया आपका ये सास भी कभी बहू ये सब देखकर रोने से कितना अच्छा है। आप कॉमिक देखेगा तो थोड़ा तंदुरुस्ती बढ़ेगा आपका। सारे संत लोग कॉमिक देखते करो खुश होने के लिए। मुझे आज आजकल वो भी कचरा, आजकल नहीं बहुत सारे कचरा लेते। मैं एक ही चीज देखता था कॉमिक, आधा घंटा कॉमिक देखते थोड़ा हंसता था, तू सब कब कब बंद हो कॉमिक देखना पाप है। उसके लिए मुझे उसमें कुछ लगता नहीं है, लगता नहीं है। तो मुझे जोक्स पसंद नहीं है, मुझे बहुत पसंद है। आप मुझे देखेगा तो मैं बीच में ऐसा हंसते हुए आप देखेगा, आपको लगेगा इधर भी पागल है उधर भी पागल है। मैं कुछ जोक सुनकर हंसता, मैं प्रभु के संग रहकर बाकी सब चीज मुझको बुरा लगता है, बुरा लगता है। नहीं है आगे बढ़ना, मेरा खत्म होने को आ गया। स्वर्ग में मेरा कौन है? तेरे संग रहते हुए पृथ्वी पर और कुछ में नहीं चलता। मेरा हृदय और मेरा मन दोनों हर गया, अवस्था गंभीर है, लेकिन परमेश्वर सर्वदा के लिए मेरा भाग, वो मेरा भाग है भाग, he is my portion, वो मेरा संपत्ति है भाग, वो मेरा भविष्य है भाग, वो मेरी खुशी है, वो मेरा आनंद है, वो मेरा सब कुछ है। इसलिए मैं निश्चिंत रहता, इसलिए आराम है, इसलिए विश्राम है जीवन में। मैं अक्रिमा में आता, परमेश्वर के सभी रहना यही मेरे लिए भला है, इसलिए मैं उड़ के नहीं जाता। जानवर समान बन गया तो भी नहीं जाता, बीमार तो भी नहीं छोड़ता, परेशान तो भी नहीं छोड़ता, पराजित हुआ तो भी नहीं छोड़ता, गलती हुआ तो भी नहीं छोड़ता, नहीं छोड़ता। एक बार ऐसा हुआ कि दाऊद ने दूसरा एक बड़ा गलती किया, नहीं वो ऐसे लोगों को गिनती करने लगा, परमेश्वर को बहुत नाराज कर दिया। और उसके पास एक उपाय था, वो है परमेश्वर से डायरेक्ट सजा पाना या उसने बोला नहीं नहीं मुझे परमेश्वर के साथ खबरा ना बाबा, तेरे संग रह के तू मारेगा वही सबसे अच्छा है। दूसरे की प्रशंसा से अच्छा तेरा डांटना है। शिवन की महिमा की खूबी क्या विचित्र है, science glory not only intimidates the enemy, yes Lord, it sanctifies me and my immediate surroundings, it offers me rest, sweet rest,
solace देता हूँ, मेरे मन, मेरी आत्मा, मेरे शरीर, उसकी महिमा में खोकर विश्राम पाता, विश्राम पाता, उसके समीप रहना ही मेरे लिए अत्युत्तम है, अत्युत्तम है, अत्युत्तम है, उसके समीप रहना ही मेरे लिए अति श्रेष्ठ अति उत्तम है। मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना, विश्राम स्थान माना, इसे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। All that I do in your presence is leaning against your pierced chest. I reflect on the wondrous things that in thy grace thou hast done for me. मैं तेरे छेदित हृदय के सहारे पे, तूने मेरे लिए जो अद्भुत काम किया उसके ऊपर मनन कर आराम करूंगा। What a blessedness is this! What a blessedness is this! Amen. What a glorious calling is this! कितने महत्वपूर्ण एक अनुभव है यह, कितने सुंदर बुलाहट है यह। हम आगे बढ़ते, मेरा भाषण वहां खत्म हो जाता, फिर अभी आप लोगों का समय है। पहले इतिहास में आते हैं, वन क्रॉनिकल्स में आते हैं, 28वां वचन पढ़ते हैं, 28वां अध्याय से 2 से पढ़ते हैं। तब दाऊद राजा खड़ा होकर कहने लगा, हे मेरे भाइयों और हे मेरी प्रजा के लोगों, मेरी सुनो। मेरी इच्छा तो थी कि यहोवा की वाचा के संदूक के लिए और हम लोगों के परमेश्वर के चरणों के पीढ़ी के लिए विश्राम का एक भवन बनाऊं, और मैंने उसके बनाने की तैयारी की थी, परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू मेरे नाम का भवन बनाने न पाएगा, क्योंकि ये तू युद्ध करने वाला है और तूने लहू बहाया। तब इसराइल के परमेश्वर यहोवा ने मेरे पिता के सारे घराने में से मुझी को चुन लिया कि इसराइल का राजा सदा बना रहूं। अर्थात उसने यहूदा को प्रधान होने के लिए और यहूदा के घराने में से मेरे पिता के घराने को चुन लिया, और मेरे पिता के पुत्रों में से वह मुझी को सारे इसराइल का राजा बनाने के लिए प्रसन्न हुआ। मेरे सब पुत्रों में से उसने मेरे पुत्र सुलेमान को चुन लिया कि वह इसराइल के ऊपर यहोवा के राज गद्दी पर विराजे। उसने मुझसे कहा, तेरा पुत्र सुलेमान ही मेरे भवन और आंगनों को बनाएगा, क्योंकि मैंने उसको चुन लिया कि मेरा पुत्र ठहरे और मैं उसका पिता ठहरूंगा। चार वचन कितना लंबा है पढ़ते। अभी आप लोगों को पता चला मैं क्यों ज्यादा वचन नहीं पढ़ता घर पे, वो लंबा है इसलिए वचन कम पढ़ता। आप लोग मेरे ऊपर दोष आरोप करते हैं, ये पास्टर पास्टर बोलता है और वचन नहीं पढ़ता, अरे बहुत लंबा है नहीं, एक तो पढ़ के थक हो जाता, थकते है, और वो दूसरा बहुत लंबा है। दाऊद जानता कि जहां परमेश्वर की महिमा उतरता वहां विश्राम है, परमेश्वर का भी विश्राम, मेरा भी विश्राम, हम साथ में विश्राम करता, साथ में विश्राम करता नहीं है, विश्राम कर बनाना चाहता हूं। आपने सुना इतने ऊंचे स्वर में पढ़ता है, मैं परमेश्वर के लिए एक विश्राम का स्थान बनाना चाहता, एक्टिविटीज का सेंटर नहीं बनाना चाहता, विश्राम। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, the climax of his glory offers you such rest. परमेश्वर की महिमा की ऊंचाई में विश्राम है, ऊंचाई में विश्राम है, उसके लिए विश्राम स्थल बनाने का है। परमेश्वर ने मुझको मेरे बाप के सारे बेटों में से मुझको चुन लिया और राजा बनाया, लेकिन उसने कहा तू नहीं बनाएगा, यू आर ए मैन ऑफ स्ट्रगल, तू मेरे लिए विश्राम स्थान नहीं बनाएगा। मैं बौद्धिक बात से आत्मिक चीज समझने का प्रयास कर रहा हूं, उसको कहा तू नहीं बनाएगा, यू आर ऑलवेज लेटर, तू तो परिश्रम से कुछ पाने वाला है, तू तो मेहनत से कुछ करने वाला है, तू तो हमेशा संघर्ष में बने रहता, तू तो स्ट्रेस्ड आदमी है, मेरा जगह मेरी महिमा का स्थान विश्राम की होगी, तू नहीं बनाओगे, तू नहीं बनाओगे।
मैं उसके लिए तेरे ही घर में तेरे ही ओर से एक संतान को उत्पन्न करूंगा। उत्पन्न करूंगा, वो बनाएगा, एक लड़ाई नहीं लड़ेगा, वो खून नहीं बहाएगा, वो क्रूरता से कुछ नहीं करेगा, वो मेरे लिए आराम का विश्राम का एक भवन बनाएगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्रिश्चियन वॉक दो इट इज अ ग्रेट, इट इज ऑलवेज थ्रू द बैटल ग्राउंड, इट इज नॉट ऑफ स्ट्रगल, इट इज नॉट ऑफ स्ट्रेस, इट इज नॉट ऑफ टेंशन, इट इज ऑफ कंप्लीट रेस्ट इन हिम। वो संघर्ष की जीवन नहीं है, लड़ाई बाहर है, लेकिन मेरा आत्मा, मेरा प्राण और मेरा शरीर चैन से रहता। तुम नहीं बनाओगे। The place where my glory dwells shall be built by Solomon your son. Hallelujah. He's not a man of war, he's a man of peace. वो शांति का राजदूत है, राजकुमार है। उसके नाम का अर्थ ही शांति है, शांति है। हालेलुया। May we learn to rest in him। प्रभु हमें सिखाए कि हम उसकी महिमा में आराम पाए। मेरे जीवन में जो चीज नहीं है वो ज्यादा मुझे प्रिय है, वो ये बात है, मैंने नहीं सीखा प्रभु की महिमा में विश्राम करने को, नहीं सीखा मैं प्रभु की महिमा को जानता, प्रभु की महिमा को प्रतिबिंबित करना चाहता, लेकिन उसमें जो विश्राम है उसको मैंने नहीं पाया। मैं मेरे बीवी के ऊपर जलता, वो विश्राम करने को सिखाए, प्रभु की महिमा में आराम है, प्रभु की महिमा में विश्राम है, प्रभु की महिमा में मैं निश्चित मत कर रहा हूं, तब ये मंदिर बन जाएगा। तब ये मंदिर बन जाएगी, तब महिमा की पूर्णता प्रकट होगी। उससे ज्यादा, इससे बढ़कर नाम चाहिए, उससे ज्यादा मशहूर होना, इससे बड़ा कलीसिया होना, उससे ज्यादा होना कुछ नहीं है। आई रेस्ट इन लॉर्ड। मेरा निजबाव तू है, मेरा कटोरी को तूने भरा है, हालेलुया, मेरी दोरी को तूने लगाया है, और मैं बहुत खुश हूं प्रभु। There is no competition, there is no stress in my life, there is no battle in my heart. Battle is outside against the enemy, and my glory, the glory of my blessed Lord, will intimidate, will frighten the enemy. जो महिमा से प्रभु ने मुझको धारण किया है वो महिमा काफी है दुश्मन को थरथराने के लिए, डराने के लिए। मैं प्रशंसा करने से नहीं, मैं डरता नहीं, ये डरती नहीं है, और आप क्यों डरता है? सिंपल बात है, वो लड़की है, आप आदमी है, लड़की रो डरती नहीं है। इसके लिए मेरी कॉम को 6 मेडल, इंडिया में कोई पुरुष को 6 मेडल वर्ल्ड चैंपियनशिप में मिला है क्या? 2 मेडल। और उन लोगों को परमेश्वर ने बहुत हिम्मत दिया है, ताकत नहीं हिम्मत बहुत दिया है। इसके लिए धन्यवाद, इसके लिए धन्यवाद। इसके लिए आदम को बोला, ए डरपोक, मैं तेरे लिए एक जीवन साथी बन देता, वो तेरे लिए क्या होगी, तेरे लिए कौन होगी वो, पढ़ो। अभी इसीलिए मुझे गुस्सा था, कितना शादी, अभी शादी दो हो गया, और ये बात नहीं, तेरे लिए क्या बना के देगा मैं, सहायक है, हिम्मत वाली है वो। इसके लिए बीविया के लिए धन्यवाद प्रभु को, थोड़ा कठिन लगता फिर भी धन्यवाद। कह दे
विश्राम स्थल प्रभु तेरा लड़का बनाएगा. वो लड़ाई का आदमी नहीं है. He is not a stressed man. He is not a tensed man. Hallelujah. Aram. मैं चाहता प्रभु में आराम करना चाहता प्रभु की महिमा में विश्राम पाना चाहता. I want to say goodbye to all my stresses and my tensions and my struggles and rest in Him. Hallelujah. हम आगे बढ़ खत्म हो गया ना वो खत्म हो गया. हम आगे बढ़कर यशिया में आते हैं. यशिया 11 में आते हैं. Isaiah chapter 11, 6-20. Isaiah 11. तब भेड़िया भेड़ के बच्चे के संग रहा करेगा और चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठा करेगा और बछड़ा और जवान सिंह और पाला पोसा हुआ बैल तीनों इकट्ठे रहेंगे और एक छोटा लड़का उनकी अगुवाई करेगा. गाय और रिछनी मिलकर चरेंगी और उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे और सिंह बैल के समान भूसा खाएगा. दूध पीता बच्चा करेत के बिल पर खेलेगा और दूध छुड़ाया हुआ लड़का नाग के बिल में हाथ डालेगा. मेरे सारे पवित्र पर्वत पर न तो कोई दुख देगा और न हानि करेगा क्योंकि पृथ्वी यहोवा के ज्ञान से ऐसी भर जाएगी जैसा जल समुद्र से भरा रहता है. उस समय ईश्वर की जड़ देश देश के लोगों के लिए एक झंडा होगी. सब राज्यों के लोग उसे ढूंढेंगे और उसका विश्राम स्थान तेजोमय होगा. उस समय प्रभु अपना हाथ दूसरी बार बढ़ाकर बचे हुओं को जो उसकी प्रजा के रह गए हैं अश्शूर से मिस्र से पत्रोस से कुश से एलाम से शिनार से हमास से और समुद्र के द्वीपों से मोल लेकर छुड़ाएगा. किसी ने नहीं सोचा कि 14 वचन पढ़ने को मैं कहूंगा जो बहुत लंबा चौड़ा वचन पढ़ा नहीं है. हजार बरस ईश्वर का जड़ यीशु यहाँ राज करने वाला है. वहां की वर्णन है वहां सुंदर चीज लिखा है. यीशु यहाँ उसके तेजो मय सिंहासन पे जाएगा. The fullness of his glory. Hallelujah. Fullness of his glory. उसकी महिमा की पूर्णता इस धरती में छाया रहेगा. अरे अगर एक बहुत अच्छा एक मनुष्य बहुत अच्छा मनुष्य है बड़े परमेश्वर को भाई मानने वाला मनुष्य वो बीवी को बुला के बोलते क्या नाम इसे आ गया लिसी. अरे ये हजार साल प्रभु यहाँ राज करेगा तभी वो पति पत्नी बनकर रहेगा. बोल नहीं स्वर्ग में हम जाएगा ना तो शादी की भी कुछ ही नहीं रहा. अयो बड़े दुख की बात है क्योंकि यहाँ हजार साल यीशु उत्तर करा कर राज करेगा नहीं है. तब पति पत्नी होता तो कितना अच्छा था लिसी. अरे अंदर जो और जेंटा मैंने पर आप इसे क्यों कहते हो. बोले देखो वहां लिखा है सिंह और गाय साथ में खुशी से रहेंगे. ये ऐसा करके मैं बोलता आप लोग कॉमिक शो देखते कोई सर्जरी नहीं किया. यीशु की महिमा बदल दिया इंसान को बदल दिया जानवर को बदल दिया. अगर जानवर के जैसा मैं बनू तो भी क्या खराबी है क्या बेवकूफी है कि मैं उसकी महिमा में अपने आप को बना के रखू. बदल जाऊंगा मैं रूपांतर होगा मेरा भी नहीं है. विश्राम विश्रामी विश्राम है मसीहा का सिंहासन इस जगत में है.
1000 साल वो यहाँ राज करेगा, उसका वर्णन है। लेकिन आज प्रभु मेरा हृदय में राज करता तो मेरा अनुभव यही होगा। आमेन। मेरे भीतर जो सिंह है वो गाय के समान शांत हो जाएगा। मैं भी आराम पाऊंगा, मैं भी विश्राम पाऊंगा, मेरा संघर्ष दूर हो जाएगा। नहीं, प्रभु की सपना है। ये कब होती है? जब यीशु का सिंहासन इस जगत में बसाया जाता, बिठाया जाता, स्थापित किया जाता, तब होगा। तो परमेश्वर की महिमा के कारण ये होगा। देश देश के साथ नहीं लड़ेगा, लड़ाई नहीं होगा। हालेलुया। कोई तीर नहीं बनाएगा, कोई मशीन गन नहीं चलाएगा, कोई बम नहीं गिराएगा, नहीं गिराएगा। शांति होगी, विश्राम होगी, आराम होगी, प्रभु की महिमा के कारण होगी। हम आगे बढ़ते हैं। हमें 30 में से भी कुछ पढ़ना है। आज लंबा लंबा भाग है, जान कुछ कर आपको सताना करो। प्रभु यहोवा इस्राएल का पवित्र यह कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है, शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। परंतु तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने कहा नहीं हम तो घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे, इसलिए तुम भागोगे। और यह भी कहा हम तेज सवारी पर चलेंगे, इसलिए तुम्हारा पीछा करने वाले उससे भी तेज होंगे। एक ही की धमकी से 1000 भागेंगे और 5 की धमकी से तुम ऐसा भागोगे कि अंत में तुम पहाड़ की चोटी के ठंडे या टीले के ऊपर की ध्वजा के समान रह जाओगे जो चिन्ह के लिए गाड़े जाते हैं। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे और इसलिए ऊंचे उठेगे कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। आराम करने में, मुझ में शांत निश्चित होकर विश्राम करने में ही तुम्हारी भलाई है। वैसे तुम वीर बनोगे, लड़के नहीं, स्ट्रेस करके नहीं, अब है टेंशन लेकर नहीं, अब दूसरे के साथ तुलना करते हुए नहीं, मुझ में विश्राम। Yes. I heard the voice of Jesus say, come unto me and rest. मैंने यीशु की वाणी सुना, मेरे पास आओ विश्राम करो। Come unto me and rest in me. उसी में तेरी बेवकूफी है? नहीं, नहीं है। तेरी वीरता है। Amen. Yes, Lord. Amen. If you're a brave man, Amen. If you're a brave man, if you're a strong man, come rest in me. तुम वीर हो, सूर हो, आ मुझ में विश्राम पा। Yes, Lord. लेकिन तुमने कहा नहीं, लड़ाई बहुत कठिन है, ये सारे लोग झूठे हैं, सब लोग मेरे खिलाफ हैं, सब लोग मेरे विरोध में कुछ 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 करता है, इसके लिए मैं लड़ूंगा, मुझको लड़ना ही पड़ेगा ना। जैसे मैं मेरी बीवी को कहता है आराम से तू बाइबल लेके बैठा है, इधर इतने सारे बिगड़ा जाता है, इतने सारे टूट गया है, इतने सब बेवकूफ लोग आकर मेरा सारे चीज को सत्यानाश कर दिया है, तुम तो आराम से बाइबल पढ़ते, मैं उसके बीच में हूं ना, इसके लिए मुझको स्ट्रेस है। प्रभु कहते आराम करो, मुझ में विश्राम करो, मुझ में विश्राम करने में तेरी वीरता है, हमें तेरी शूरता उसमें है। नहीं है, लेकिन तुम लोग कहते नहीं नहीं नहीं, फिर भी कहता मैं दयालु है, मैं कृपालु है। हालेलुया। आखिरी भाग, आखिरी वचन और एक बार पढ़ो। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे और इसलिए ऊंचे उठेगा कि तुम पर दया करे। क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है, क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। विलंब करता, इंतजार करता, I leave my struggles, I leave all my efforts and return to him to rest। हालेलुया।
वो मुझको विश्राम दिलाने के लिए विलंब करता इंतजार करता that my soul may learn to rest in his glory uski mahima mein vishram pana jab tak main nahi seekhunga tab tak wo mere liye intezar karta oh prabhu yes hallelujah dayalu hone ke karan karunamay hone ke karan usne mujhko mitaya nahi wahi baat usne kaha mitaya nahi aati unchai mein wo mujhko vishram dilana chahta mere priyo bhaiyo aur behno ऊंचाई में विश्राम है तराई में लड़ाई है ऊंचाई में विश्राम है अब आगे बढ़ते हैं और ये दो चीज इंग्लिश में लिखा इसलिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं आज नहीं पढ़ेगा तो ज्यादा नुकसान नहीं है इसके लिए ऐसा लिख के रखा यिर्मयाह की कहानी है यिर्मयाह की पुस्तक है 6 में 16 है एक ही वचन है यिर्मयाह 6 की 16 यहोवा यों भी कहता सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का अच्छा मार्ग कौन सा है उसी में चलो और तुम अपने अपने मन में चैन पाओगे पर उन्होंने कहा हम उस पर न चलें मन में चैन पाने चाहते हो बीते हुए दिनों में परमेश्वर के महान लोग कैसे चलते थे उसको मनन करो उसी में चलो अब्राहम को पूछो 25 वर्ष तू इतने आराम से कैसे चलते रहा उसको पूछ वो सिखाएगा मूसा को पूछो 40 बरस ऐसे दुष्ट लोगों के उसने कैसे चलाया उसको पूछो ऐसे कुड़कुड़ाने वाले लोग ऐसे झगड़ालू लोग ऐसे तेरी निंदा करने वाले लोग ऐसे तेरे विरोध में बात करने वाले लोगों को तूने इतना प्रेम से कैसे चलाया पूछो वो राग में कदम रखोगे तुम विश्राम पाओगे मैं सोचता था एक पलंग पर लेट रहने का पलंग पर लेट के ऐसे पैर हिलाते हिलाते बाइबल पढ़ने का और धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा हे अभी गाना गाने का वक्त नहीं है ना तो बाइबल पढ़ो हे यीशु मेरा खुदा आप ठीक है चले कोई बात नहीं तभी थोड़ा आराम लगता एक चोरी का मूवमेंट आ लगता और अच्छा है मुझे लगता था इससे नहीं है वैसे भक्तों का मार्ग में चलते चलते विश्राम पाओगे उसका संपत्ति मेरी महिमा रहा उसका एकमात्र संपत्ति उसका हिस्सा मैं था दूसरा कुछ नहीं था मेरे संग रहकर वो धरती में कुछ नहीं चाहता था अबे उसके मार्ग में जो राग से वे चल कर गए हैं जो पद चिन्ह उन्होंने छोड़ा है उसमें चलोगे तो तुम भी विश्राम पाओगे मैंने उल्टा सोचा था मैंने जब 4 दिन छुट्टी लेना है मुझे छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है छुट्टी छुट्टी है असी बरस होने के बाद छुट्टी ना आप लोग बोले तो पहुंचो बाद में छुट्टी की बात पहुंचेंगे मैं सोचा था ऐसे आराम करने में छुट्टी लेने में सब विश्राम है नहीं है 7 दिन उपवास में बैठते तब आराम है नहीं है भाई कड़ी मेहनत के बीच में सेवा के बीच में हालेलुया विश्राम है आमीन विश्राम है आमीन जो लड़ाई के मैदान में विश्राम करते हैं वो सबसे धन्य है हालेलुया ओ प्रभु हालेलुया द वन हु रेस्ट इन द लॉर्ड इन द मिस्ट ऑफ द बैटल हालेलुया ही इज द मोस्ट ब्लेस्ड ऑफ द लॉर्ड वो सबसे धन्य पुरुष है कुछ नहीं करने वाला तो बेकार इंसान है उसका आराम तो ये गटारी का आराम है वो आराम नहीं है वो बेवकूफी है हालेलुया भक्तों के समान चलने में विश्राम है पौलुस को पूछो
उनका लड़ाई लड़ाई है अब, लेकिन मेरा एकमात्र लक्ष्य है कि मैं उसको पाऊं, ताकि वादे का हो। हम भी कमें आते हैं, दूसरा अध्याय से सिर्फ दो वचन पढ़ते हैं, मेरी प्रजा की स्त्रियों को तुम उनके सुख धामों से निकाल देते हो और उनके नन्हे बच्चों से तुम मेरी दी हुई उत्तम वस्तुएं सर्वदा के लिए छीन लेते हो। उठो चले आओ, क्योंकि यह तुम्हारा विश्राम स्थान नहीं, इसका इसका कारण वह अशुद्धता है जो कठिन दुख के साथ तुम्हारा नाश करेगी। एक नगर की वचन भी मुझे पढ़ने का था, जहां जहां हम विश्राम ढूंढते हैं वो मेरा विश्राम स्थान नहीं है। झगड़ा करके कोई विश्राम नहीं पाता, अपने आप को स्थापित करने का प्रयास करके कोई विश्राम नहीं पाता, संघर्ष से कोई विश्राम नहीं पाता। हालेलुया, ये तुम्हारा विश्राम स्थान नहीं है, लोगों का है। कुर्सी खींचने के लिए बहुत कुछ करता, लोगों को लगता है वो कामयाबी है, लेकिन तुम्हारा विश्राम उसमें नहीं है। तुम्हारा विश्राम, हालेलुया, तुम वीर हो, तुम शूर हो, तुम हिम्मत वाला हो, लौट कर आओ, उसमें विश्राम पाओ। उसका बड़ापन नहीं किया तो दिन अच्छा नहीं जाता, क्या करे, वो आदत, आदत से मजबूर। जब मैं मैनेजमेंट कर रहा था, बड़े मशहूर एक कॉलेज में कर रहा था, वहां को इंडिया के सबसे अक्लमंद लड़के लड़कियां आते, सारे ड्रीम है लोगों का। आईएम अहमदाबाद बोलेगा तो बड़ा ड्रीम है, अभी मुझे पता नहीं, वो जमाने में था, वहां एडमिशन मिलता नहीं है, वहां ऐसे लोग आते हैं, बड़े अक्लमंद लोग, पूरे इंडिया के बड़े बड़े अक्लमंद लोग वहां आते हैं। वहां मैं एक क्लास में बैठा, थोड़ा सा बुड्ढा है बैठा है, तो मेरे बाजू में एक बड़े स्मार्ट लड़का बैठा, बहुत ही इंटेलिजेंट एक लड़का है। तो वहां लोग एक से दूसरा, एक से बढ़कर मैं हूं वो दिखाने का बहुत प्रयास करते हैं, आउटशाइनिंग बोलते हैं उसको, आउटशाइनिंग। शाइनिंग एक चीज होती है, आउटशाइनिंग दूसरा चीज होती है। शाइनिंग बोलेगा तो देखो प्रभु ने जो मुझे दिया वो सारे चीज में पूर्णता में प्रकट करेगा, आउटशाइनिंग दूसरों को गिराकर उससे महान है वो दिखाने की वाली बात है, ऐसी बात है। तो आउटशाइनिंग, मेरा बाजू में एक आदमी बैठा था, कुछ तो चालू है, प्रोफेसर कुछ पूछ रहे, तो सब लोग प्रोफेसर को पता चले ये मामिया ऐसा बैठा है, इसको कुछ नहीं आता, बैठा ऐसा है ना, सब लोग स्टाइल मारते ऐसे ऐसे कहते, ये तो विक्स लगा के उनके बैठा है। ये समी, तो मैंने उसका जवाब दिया, तो प्रोफेसर बोलते हैं कैन यू कम, बुलाए मैं मंच पे, और उसको बोला कि कैन यू एक्सप्लेन दिस, तो प्रोफेसर तो बोलता, देयर इज वन मैन इन दिस क्राउड हु डजंट कॉम्पीट, दूसरे के साथ उसका कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, स्पर्धा नहीं है, जो जानता है जान के बैठना, दूसरे को नीचे गिराने का प्रयास नहीं करना, कोई जरूरत नहीं है, स्टाइल मारने का जरूरत नहीं है, विश्राम है प्रभु में, विश्राम है प्रभु में, आराम है, हमारे किसी के साथ कोई स्पर्धा नहीं है। हालेलुया, प्रभु में विश्राम करते, गलत जगह पे विश्राम नहीं ढूंढना। इसलिए परमेश्वर का दास कहते, मेरा हालत ऐसा हो गया तो भी मैं इधर ही बैठूंगा, बाकी जगह मेरे लिए नहीं है। वो संसार के लोग वैसे करते हैं, संसार के लोग एक को नीचे गिराकर दूसरे को ऊंचे उठाने का प्रयास करता है। वो सबसे एक इंटेलिजेंट आदमी क्लास में था, उसको पता चला मैं सीमेंट्स कंपनी छोड़कर सोली नौकरी करके हंसा हूं। अरे देख रहे ये बेवकूफ, उसी का लाया कह रहे, ये कैसे बनाने को जा रहे, अरे क्या आदमी है। तो
बोले जाने देना, अब यहाँ करेगा यार, जो नौकरी मिलते वो करना चाहिए। अरे इधर की सीमेंट का इतना बड़ा है, छोड़ ना भाई, छोड़ दिया ना, क्या कर लेते हैं। प्रभु का मार्ग एक हॉस्पिटल में वो आदमी मिला, बहुत सालों के बाद मैं एक हॉस्पिटल में एक मरीज को देखने को गया था, तो उसकी माँ बीमार, गंभीर तरह से बीमार कर गया, तो उसने मेरे को कार्ड दिया, इसको जनरल मैनेजर कुछ 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 कुछ, मैंने कुछ कार्ड भी नहीं दिया, सनी तू थकर अरे तेरी मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। क्या तू मैनेजिंग डायरेक्टर है? क्या करना है? प्रभु में विश्राम, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई स्पर्धा नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, चुपचाप भरे रहो, वो आपका हिस्सा वो है, आमीन। कठोर का भाग वो है, हम आगे बढ़ते हैं। पत्रस साहब को क्या कहना है वो सुनकर आप कदम करते हैं, सिर्फ पढ़ेगा, एक शब्द नहीं बोलना मुझको। पहला पत्रस ये एक्चुअली इधर पढ़ने का भी नहीं था, लिख लिया गलती से, तो अभी पढ़ना पड़ेगा। चौथा अध्याय, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है, यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है, आमेन। जिसने महिमा को देखा है, जो महिमा को प्रकट करना चाहता है, yes. जो महिमा की पूर्णता की चाहत रखता है, उसको कहता है सब प्रभु के लिए करो, जैसा करो कि प्रभु के लिए करता है, प्रभु के लिए करता है, ऐसा करो। सेवा करते तो ऐसा सेवा करो, दुनिया को दिखाने के लिए आई सर्विस नहीं करना है, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं करना है। सब कुछ करके बोलो कि मैं निकम्मा मजदूर हूँ, विश्राम पाना चाहते हो, विश्राम पाना चाहते हो, यही मार्ग है, यही मार्ग है। जो वरदान मिला है स्टाइल मारने के लिए नहीं है, मैं दूसरे से बढ़कर हूं वो दिखाने के लिए नहीं है, झुक कर सेवा करने के लिए है, झुक कर सेवा करने के लिए। मुझे आठ स्टैंडर्ड याद आता, आठवीं में मैं जब पढ़ता था, आठवीं सब क्या हुआ आदमी हो, आठवीं में पढ़ता था, तब हमारे उधर एक लिटरेसी मीटिंग होता है, लिटरेरी मीटिंग ऐसा कुछ बोलता था। हफ्ता में एक दिन स्कूल आधा दिन पहले छुपता, सॉरी आधा घंटा पहले छुपता, आधा त्रास क्या बोलते हैं, आधा त्रास पहले छुपता। फिर हम लोग हर क्लास के लोग इकट्ठा होते हैं, एक विषय लेते हैं, उसके ऊपर चर्चा होता है और एक गाना ये सब होता है, तो अपना जो भाषा बढ़ाने के लिए एक रीति है। अभी स्कूल में ऐसा होता है कि अब तो स्कूल में नहीं होता है, ये स्कूल से बंद करो ना यार। हमारे जमाने में वो बहुत अच्छा था, वो एक एक विषय हम लोग चुन लेगा और बच्चों लोग भी उसके बारे में सीखेगा, ऐसे लिख के लाएगा, ऐसे पढ़ेगा, तो उसके विषय में हम लोग अपना अपना अभिप्राय बोलेगा, एक गाना होगा, फिर टीचर कुछ समझाएगा, उसके बाद खत्म हो जाता है। तो हमारे जो भाषा सुधारने के लिए सब है। उसमें एक दिन एक लड़का एक गाना गाया, तो उसमें एक अध्यक्ष बनता, अध्यक्ष अभी बनता कोई भी एक आदमी उस दिन अध्यक्ष है, तो एक सामुएल करके एक आदमी वो पेंटेकोस्ट है, उसको अध्यक्ष बनाया था उस दिन। और एक लड़का आया, पहले एक गाना ऐसे एक आदमी आया तो गाना गाया, तो गाना गा के जाके बैठा, हमारा सामुएल खड़ा हो गया। सामुएल बहुत बड़ा गायक है, वो केरला पुलिस का जो बैंड है उसका म्यूजिक डायरेक्टर था, बाद में बन गया, वो बन गया बाद में,
तब नहीं था, तब वो तो आठवीं में नहीं पढ़ता ना, वो खड़ा हो गया। वो गाना ऐसा गाया जिसने गाया उसका सर्वसत्यानाश हो गया, बेचारा जिसका कोई जरूरत नहीं था। मैं वो तस्वीर कभी नहीं भूलता, क्या जरूरत है बेचारा आके गाया ना, उसको नीचे मत गिरा ना यार, तेरे को गाने के लिए कितना अवसर है, उनको गाने के बाद तुरंत बाद जैसा मैं इधर करता काटा दे, कोई जरूरत नहीं उसके लिए, नहीं वरदान दिया है, वरदान उसके लिए नहीं दिया गया, वरदान है तो उसको सिखाओ, वरदान है तो उसको सिखाओ ना, उसको आगे लेके चल रहे, उसी के लिए वरदान दिया है, तेरे स्टाइल मारने के लिए नहीं है, तू बड़ा समझदार आती है, तू बड़ा अक्लमंद है, बाकी सब लोग बेकार है, ये दिखाने के लिए नहीं, इसके लिए विश्वास नहीं दिलाया प्रभु ने, पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वास नहीं दिया, उसके लिए वरदान नहीं दिया, उसके लिए वचन का ज्ञान नहीं दिया, दूसरे लोगों को सबको कच्चा समझने के लिए नहीं है, आराम पाना चाहते हो, प्रभु में विश्राम पाने चाहते हो, उसकी महिमा और एक बार तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। That I may reflect His glory. मैं यीशु की महिमा प्रकट कर सकूं, परमेश्वर की महिमा प्रकट कर सको, तो उसी में मेरे को विश्राम। आइए, there is an invitation today to come and rest in His glory. प्रभु मैं और एक बार आमंत्रण देता, आह्वान देता, आओ मेरी महिमा की पूर्णता में विश्राम पाओ। आइए परमेश्वर को धन्यवाद दे, स्तुति आराधना करें।